सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। हिंदी में कहूँगा, आरए में हम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं और हमारा जो मॉडल रहा है कि स्टूडेंट्स, जैसे आसपास की जो स्कूल है, ओबरो इंटरनेशनल स्कूल है या म्यूनसिपल स्कूल है, और जो सोसाइटीज़ हैं उनके सिटीजन्स के साथ हम काम करते हैं। तो पिछले एक साल पहले जो हमने कचरा गार्बेज क्लीनअप का काम किया था उसमें 17 टन कचरा था मिक्स वेस्ट। अभी जो 5 जून को जो ड्राइव हुई, सो टू गुड पॉइंट्स दैट मंडे वॉज अ वीक डे, उसमें भी 300 सिटीजन्स पार्टिसिपेटेड इन द मॉर्निंग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, MLA वाइकर हैड फ्लैग्ड ऑफ द रैली एंड MCGM बोथ वार्ड्स वेयर, दोनों वार्ड्स प्रेजेंट थे, RADV वाज देयर। बट इस बार ऐसा है कि कचरे में करीबन 60 टन डेबरी है और 34 टन मिक्स वेस्ट है। तो जो डेबरी का जो क्वांटिटी है पिछले एक आध साल में बहुत बढ़ गया है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ द जुरिस्डिक्शनल इशू, RA चेक पॉइंट पे पहले टोल होता था वो हट चुका है। तो रात के टाइम पे ये देखा गया है कि बहुत डेबरी जो है बाहर से डंप हो रहा है अंदर आकर। उसके अलावा केटरिंग वेस्ट है कि जो बड़े केटरर्स है जो खाना बच जाता है वो रात को वहीं पे आकर फेंक देते हैं, और उसी की वजह से यस सर। और कुछ कुछ तो इतने बड़े लैंडफिल्स हैं, राइट, जैसे एक आध पॉइंट पे तो ये भी आए हैं कि टीम भी उस दिन आई थी, वंस यू सेंसिटाइज देम, तो आई थिंक वी कैन ऑलवेज स्पॉट दैट। एंड व्हाट वी हैव डन इज दैट हमने 10 ऐसे एरिया लिए जहाँ गार्बेज और ज़्यादा डंपिंग हो रही है। इनफैक्ट मेडिकल वेस्ट डंप हो रहा है, देर इज लॉट ऑफ अदर वेस्ट इज बीइंग डंप। वी आर मैपिंग दोज एरियाज टू वर्क कंसिस्टेंटली विद BMC। सो वन प्रपोजल इज टू प्रॉबली हैव अ जॉइंट मीटिंग, एक BMC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड RA डेयरी के साथ एक अगर जॉइंट मीटिंग हो पाए, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट विल बी क्लियरली डिमार्केटेड। दैट वॉज वन थॉट। सेकेंडली, इफ देर आर चेक पॉइंट्स, आरए में घुसने के 4 रास्ते हैं, गोरेगांव साइड से, मरोल एंड पवई, 3 बड़े रास्ते हैं, बट छोटे छोटे 2-4 और रोड है जहाँ से बाइक वगैरह आती है। तो यहाँ पे द MLA हैज अग्रीड टू पुट CCTV, बट बिसाइड दैट अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो हैव नाइट पेट्रोलिंग जैसे आप अभी कह रहे थे, तो वहाँ से भी काफ़ी कंट्रोल हो सकता है कि जो डेबरी बाहर से आ रहा है रात को या जो वेस्ट इज कमिंग इनसाइड आ रहे, दैट कैन बी कंट्रोल्ड। एंड सर, लास्ट पॉइंट इज दैट फॉरेस्ट फायर RA में पिछले साल से थोड़ा सा इस साल कम है, पिछले साल 27 फायर थे। तो डेयरी डिपार्टमेंट हैड अ वेरी ओल्ड फायर स्टेशन इन RA, जो करीबन 50 साल पुराना स्टेशन है, वो स्टेशन बंद है अभी। देर इज वाटर कनेक्शन देर, देर इज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देर। एक जॉइंट मीटिंग हमने फायर डिपार्टमेंट के साथ की थी, सो इन दैट सेम मीटिंग वेन वी मीट विद डेयरी, वी प्रपोज दैट इफ दैट स्टेशन कैन बी एक्टिवेटेड, तो जो फायर हो रही है वो जल्दी बुझ पाएगी, रादर देन द फायर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम मरोल साइड ऑफ द। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स। वी हैव वॉलंटियर्स हु आर जस्ट स्टेइंग इन RA, सो बेनिफिट ये है कि कोई भी वॉलंटियर 5 से 10 मिनट में RA पहुंच सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ भी कोलैबोरेट करना है, वी आर हैप्पी टू कोलैबोरेट। इट कुड बी पेट्रोलिंग, इट कुड बी ऑल्सो फाइनिंग। सो प्रॉबेबली वीकेंड्स, सैटरडे संडे को बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत अंदर आके दारू पीते हैं, खाना वाना वेस्ट करते हैं। तो एक मैसेज अगर जाए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज नाउ टेकन चार्ज, क्योंकि पीपल नो कि फॉरेस्ट हैज गॉट द लैंड, बट द मैसेज हैज टू गो लाउड कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज टेकन चार्ज। अगर वीकेंड को भी ड्राइव करें कि 10 लोग वर्दी में अगर हैं और आपने कुछ लोगों को फाइन किया, तो वो मैसेज सोसाइटी में बहुत अच्छे से जाता है कि न्यूसेंस इन RA इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड। सो इफ तो फाइनिंग प्लस मे बी वी कैन हेल्प पुट बोर्ड्स ऑल्सो, सो आई थिंक दैट कैन कंट्रोल लॉट ऑफ न्यूसेंस। श्योर, थैंक यू सो मच। बट हर जगह पे कैसे है, कोई भी आदमी को अलग अलग एरिया का अलग अलग पहाड़े का प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। सो आप लोग उसमें से कैसे, मतलब आपका मन पे ये रहना चाहिए यार, मैं ये प्रॉब्लम में कैसे भी करके इसको मुझे सॉल्व करना है, मतलब ये है ना, ऐसा लगता है आपको ये पूरा एरिया ना कचरा बन चुका है, कचरा मुझे निकालना है। आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालने के लिए, तब आप ऑटोमेटिकली वहाँ से प्रॉब्लम निकाल सकते। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, जैसे बताया ना, जैसे अभी आप क्या बोलेंगे, कल जाके खड़े हो जाएंगे उधर तोड़ने के लिए, क्यों यार क्या हो गया, मैंने आज मीटिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, साहब लोगों ने बोला हमको ये पूरा निकालने के लिए, इसलिए हम आ गए कल। मतलब ऐसा बोलने से हमारे लिए कोई डर नहीं है, बट जो आप होने वाला प्रॉब्लम को आप लॉजिकल एंड तक नहीं लेके जाते, उसको कहीं ना कहीं उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए आप कोशिश करें, उसी को आपने, हमने जो भला बताया हुआ इसको, वहाँ का लोकल जो माइक्रो क्लाइमेट जो है, वहाँ का जो जो ये है ना, लोगों का जो इश्यू है उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको कैसे निकाल सकते। आप लोकली आपने सोल्यूशन निकाल दिया ना सब लोग मिलके, वो आसान से निकल जाता। सेकंड, जैसे अभी RA का एरिया में बहुत सारे हमारे लिए काम करने का है, क्योंकि हमने नया एरिया में हमने इंटरफेयर हो चुका है,
जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक को जो बोल रहे हैं ना फाइन डालना और पीओआर रजिस्टर करने में क्या फर्क है, अभी सर को भी पता है, अभी इधर इनको भी पता है, वो बार बार एक आरए में है ना आदमी कर रहा था उसमें एनक्रोचमेंट, हमारे लोग जा रहे थे तोड़ रहे थे, फिर से कर रहा था, एक बार पीओआर कर दिया बंद हो गया, मतलब ये पीओआर का पावर है, पीओआर के अंदर रजिस्टर करने के लिए क्यों बता रहे हैं, मतलब वो आदमी को ये डर रहता है मुझे ये लोग है ना वो लेके जाके है ना कोर्ट का है ना जज का सामने खड़े करेंगे या अरेस्ट करेंगे, उसको है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मुंबई में पैसे वाले लोग है, वो 500 नहीं 5000 रुपये दिया तो भी देख के जाने वाले लोग, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्योर जैसे ट्रेसपासिंग में भी प्योर करो, प्योर करके उनको बोलने का कल स्टेटमेंट के लिए आ जाओ, वो देखो और कितना लोगों से आपको फोन आएगा वहां से, सो इसीलिए ज्यादा ज्यादा आप लोग आपका जो भी है प्योर का जो है ये हमेशा है ना प्योर का किताब गवर्नमेंट ने दिया है बराबर है ना, सिर्फ लिखने का काम है आपका, आप जितना ज्यादा आप लिखेंगे जितना ज्यादा उसको आप कोर्ट में लेके जाएंगे उतना धीरे 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 आपका ये कम होते जा रहा है, और बहुत ज्यादा इधर लोग है ना करना हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है, तो उनको मदद हमने पॉजिटिवली कैसे लेना चाहिए उसके बारे में सब लोग अभी प्लान करके ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, सो उसमें इफेक्टिवली लोग हमारा मौजूद रहना चाहिए, पेट्रोलिंग जो है वो चलना चाहिए, जो पहले से मैं पहले दिन से मैंने यही सपना में बता रहा था, जो लोग तड़ोबा पेंच या सहद्री मेलघाट में जो देखता है वहाँ जो सिस्टम जो हमारा जो डिपार्टमेंट ने बनाया है वो डिपार्टमेंट का मिनिएचर जैसे संजय गांधी में दिखना चाहिए, तो वो एंगल पे हम अभी जो जा रहे हैं उसको और थोड़ा एक्टिव करना चाहिए, और हमेशा है ना मुंबई जैसे एरिया में संजय गांधी नेशनल पार्क को जो बचाइए ये एक बड़ा हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, इसको और आगे जाके फिर से वो प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहिए, फिर से इसके ऊपर जब पहले जैसे आया था ऐसा प्रॉब्लम खड़े नहीं होने चाहिए, ये माध्यम से सब लोग इन्वॉल्व होकर काम किया तो तब हम इसको बचा पाएंगे और मुंबई जैसे एरिया के लिए ये जैसे हमने जो ग्रीन लंग्स करके जो ये है इसको इससे अभी और ज़्यादा ज़्यादा इससे आने वाले जो मतलब इसका इफेक्ट जो है जो जो सोसाइटी को हम दे सकते। सो मी आता काय आता हानरी वाइल्ड लाइफ वॉर्डन पण आहे आणि आपल्या पार्कसोबत जोडलेले आहे, बरेच संस्था आहे, एन जी ओज आहे, बरेच वर्षापासून काम करत आहेत, मुद्दाम त्यांना पण मी आज ते मीटिंगला बोलवले, कारण काय तो एक वनरक्षकचं काम नाही आहे एवढंच एक मोठं क्षेत्रफळ संरक्षण करणं बिलकुल शक्यच नाही, मला पण मान्य आहे, तुम्ही किती चक्कर मारा तरी पण यांना ते गुन्हा घडणारच, सो त्यामुळे आपल्याला समाजाच्या सोबत मिळून काम करायचं, सो अंग्रेजी काळात वगैरे ठीक आहे आता आपण इमिडिएटली लोकांना पकडायचं मग कोर्टात टाकायचं अशा टाईप चक्र चाललं होतं, पण आता आपण लोकांच्या सोबतच लोकांच्या सहभागातूनच आपल्याला वन्यजीव संरक्षण करायला पाहिजे त्याच्यात काही दुमत नाही आहे, सो आणि लोक पण तयार आहे सोबत आपल्यासोबत काम करायला, सो ते ना आपण स्वीकारायलाच पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने आपण पुढे जायला पाहिजे, सो अपेक्षा एक आहे आता डायरेक्टर साहेबांनी पण सांगितलं प्रोटेक्शन हट ना इमिडिएटली आपण अंमलात आणू, त्याच्यात भरपूर फरक पडतो, एम स्ट्रेप्स दुसरा झाला आणि मंथली एकदा दोन्ही डिव्हिजनचे तुमच्या आर एफ ओचे मीटिंग घेतात, तुम्ही तसेच एन जी ओसला पण आहे ना तुटक्यात वेळ द्या ना, सो तो त्यांच्याकडून भरपूर इनपुट्स मिळतो, हानरी वाईल्ड लाईफ वॉर्डन असो बाकी एन जी ओस असो त्यांना बोलून त्यांचं काय, कारण काय ते ना वेळ देत आहेत, किती लोक देतात तो तो आपल्या देश पुढे चालले याचं उदाहरण हाच आहे, बाकी ठिकाणी यांना अजून काही तो बरेच डिव्हिजनला असेच मीटिंग घेऊ शकत नाही तो प्रॉब्लेम होतो बरोबर ना, सो आपण आहे ना आपण मेच्युअर होत आहेत, कारण काय आपले सर्वांचं ते साधे एकच आहे बेसिकली, सो हे संरक्षण कुठे किती चांगला सुविधा तुम्ही आणि हे स्पॉन्सरशिप पण तुम्हाला मिळेल असं पण इकडे मुंबईला प्रॉब्लेम नाही आहे, तो तुम्ही मोहम्मदला पण सांगितलं होतं, मोहम्मद ऑल्सो हॅज मेड अ डिझाईन ॲक्च्युली, बाकी ठिकाणी स्पॉन्सरशिप पण मिळू शकतो काही प्रॉब्लेम नाही आहे, मेनी पीपल आर कमिंग ना, फक्त आपण सांगायचं तर शासनचं अनुदान यायला वेळ होत असेल तर या आर्थिक वर्षात एस जी एन पी मध्ये 47B2 चांगला क्वालिटी संरक्षण कुठे आपल्याला एस्टॅब्लिश करायचं आपण मनात घेतलं तर काय प्रॉब्लेम नाही,
पण प्लॅन मध्ये तर प्रस्तावित करू, पण सीएसआर कॉमन मध्ये पण आपण प्रस्तावित करू. त्यांच्या मोठा फलक लावून टाकू ना, स्पॉन्सर्ड बाय अमुक अमुक, त्यांना पण वाटतो बरं पैकी केव्हा तरी ते येऊन मुकाम करतील आपल्याला. ते आता ताडोबा मध्ये वगैरे ते काजगी लोक अडप करत आहेत प्रोटेक्शन कुठे. मला तुम्हाला ताडोबा अंधेरी टायगर रिझर्व मध्ये एक संरक्षण कुठी एक महिला उद्योगपती त्यांनी अडप केले, दत्त घेतले त्यांनी, पूर्ण वर्षभरच्या मेंटेनन्स वगैरे मी देतो म्हणतात. असे लोक समाज पुढे यायला लागले. इकडे पण फक्त आपण सांगायचं लोक येते. आणि प्युअर महत्वाचा विषय आता जे डायरेक्टर साहेबांनी पण सांगितलं, प्युअर सोडतो नंतर ना कोटापर्यंत जात नाही. आपण ना एक किमान इकडे SGNP एक शहरात आहे 47 बीट आहे, आठवड्यात तरी एक गाडणी एक प्युअर तर सोडलं ना महिन्यात 4 झालं, म्हणजे जवळपास 200 प्युअर एक महिन्यात किमान मिनिमम टार्गेट मी म्हणतो. 200 प्युअर झाले आणि 200 प्युअर ना कोटात गेले तर पहा ना कोणी आत घुसत पण नाही होत. अशा गारपेक्षा करतो आठवड्यात एक प्युअर चांगला आहे ना. ते आपल्या वन्यजीव संरक्षण बातरच्या पण कलम टाकायचं, भारतीय वन्यजीवांच्या कलम पण टाकायचं आणि जे विविधाचं टाकून मस्तपैकी स्टँडर्ड चार्जशीट आहे आपल्याकडे, तो ड्रेन ऑफिसरकडे आपण देऊन ठेवलेला आहे. फक्त नाव वगैरे त्यांचे उद्या वगैरे फक्त लिहायचं, फॉरेस्टरने जाऊन कोटात टाकायचं, तेवढेच काम आहे. आठवड्यात एकदा फॉरेस्टरला एक काम आहे, कारण कारण प्रोटेक्टेड एरियामध्ये अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानमध्ये फॉरेस्टरला वेगळं सुपरवायझरी काम नाही आहे प्रादेशिक सरकार. मग कोर्टचं काम चार्जशीट करण्याचं काम फॉरेस्टकडे दिलं तर अजून चांगलं आहे. आठवड्यात त्यांना फॉरेस्टर यांना ते बाईकला किंवा कुठेतरी जाऊन ते चार्जशीट फाईल करू नये, तेवढेच तरी करा. मग प्रोटेक्शन खूप फरक पडतो KEB च्या, पण प्रोटेक्शन इज द बेसिक. प्रोटेक्शन स्ट्रेंथन केल्यानंतर बाकीचे इश्यूमध्ये आपल्याला जाता येतं. जास्त वेळ झाले, सो थँक्स फॉर जॉईनिंग. तुम्ही सर्व आले, बाहेरून आलेलं आहे, जे खानदारी वाईल्ड लाईफ वॉर्डन असो बाकी NGOs असो, त्यांना पण मी मनापासून धन्यवाद देतो. महिन्यात एकदा तुम्ही यांच्यासोबत इंटरॅक्शन ठेवा आणि चांगला फरक पडतो. मी SGNP ना विल बी अ व्हेरी मॉडेल PA फॉर अदर्स, तसे आपण करूया. थँक्यू.